हेलो एंड वेलकम टू study.com। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज, और आज मैं एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए 100 मार्क्स इंग्लिश जो है क्लास 12 का, उसी का एक चैप्टर जिसका नाम है भारत इज माई होम। और ये चैप्टर लिखा हुआ है किसके द्वारा, अब आपको पता ही होगा ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बगल में आप उनका पिक देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं कि क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे, और जानना जरूरी भी है। तो चलिए अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था 8 फरवरी 1897 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है, जो पहले कभी आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अभी अभी राज्य बटा हुआ है तेलंगाना, ठीक है ना, भारत का 29वां राज्य, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो हो गई थी 3 मई 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है ना, तो राष्ट्रपति भवन में ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी, ठीक है, डाइड इन ऑफिस। बड़ा सौभाग्य की बात है, ये बड़े सौभाग्य की बात है काम करते वक्त किसी का डाया हो जाना, ठीक है, मीन्स वीर गति को प्राप्त हो जाना। आगे जानते हैं कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश के ये तीसरे राष्ट्रपति थे, हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट कब से थे, 13 मई 1967 ईस्वी से, 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे, मीन्स पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। ये जो थे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद और भी थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में, गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। और कब से कब तक रहे हैं ये गवर्नर बिहार के, तो वो सन था 1957 से लेकर के 1962 तक। जी हाँ, 1957 से लेकर के 1962 तक ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद 62 से लेकर के 1967 ईस्वी तक ये वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति रहे थे। और 67 में तो अभी मैंने आपको बताया ये राष्ट्रपति बन गए भारत के तीसरे, ठीक है, 69 में इनकी मृत्यु ही हो गई। एक और चीज जान लीजिए कि इनको हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार, पता होगा आपको सबसे ऊंचा सर्वोच्च पुरस्कार जो माना जाता है भारत देश का, वो है भारत रत्न। और इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1963 ईस्वी में, मीन्स भारत रत्न मिला था इनको 1963 ईस्वी में, ठीक है। और भी बहुत लोगों को भारत रत्न मिले हैं, अभी हाल फिलहाल में 2-4 लोगों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इससे याद आ जाएगा आपको। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था, वैसे ही इनको भी भारत रत्न मिला है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का समरी ऑफ द लेसन। तो ये आपको एग्जाम में अगर आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। चलिए देखते हैं, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। ये जो चैप्टर है, ये जो उद्धरण है, एक्सट्रैक्ट है भारत इज माई होम, ये चैप्टर लिया गया है कहां से, भाषण से। स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है।
तो उन्होंने स्पीच दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच दिया था 1967 ईस्वी में, ठीक है। कब स्पीच दिया था? आफ्टर टेकिंग द ओथ। ओथ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है, या फिर शपथ की एक और इंग्लिश आती है स्वेर, ये SWEAR, स्वेर का मतलब भी स्वेर, शपथ। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा स्वेर, है ना, हनी सिंह का गाना है, आपको याद आ ही गया होगा, ठीक है। तो वो स्वेर जो गाना है, स्वेर वाला गाना, स्वेर का मतलब ही शपथ होता है, ओथ का मतलब ही शपथ होता है। ब्लू आई जो गाना आया था हनी सिंह का, ठीक है, तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपने बाहरी दुनिया से। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उन बच्चों से कहता हूँ कि इंग्लिश आपको हर एक जगह मिलेगी, आपको बस जो है उसको कैचअप करने आना चाहिए। अगर आप जो है एक चॉकलेट का पॉकेट, एक छोटा सा चॉकलेट खरीद के खाते हो, तो उस चॉकलेट पे भी बहुत सारी वर्ड्स आपको मिल जाएंगी। चॉकलेट किस चीज़ से बना हुआ है, कितना मूल्य है, क्या इसका क्या मतलब होता है, तो ये अधिकांश चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश हर एक जगह है भाइयों, आपको जहाँ से कैचअप करना है आप कर लो, मैंने तो ऐसे ही किया है। चलिए, तो फिर ओथ का मतलब शपथ। जब ये शपथ इन्होंने लिया प्रेसिडेंट का, कोई भी बड़ा पद लोगे आप तो शपथ लेना ही पड़ता है, तो शपथ लेने के बाद इन्होंने जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया 1967 ईस्वी में, उसी भाषण से ये चैप्टर, ये एक्सट्रैक्ट जो है भारत इज माई होम लिया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा उन्होंने उस भाषण में। डॉक्टर जाकिर हुसैन अश्यूर्ड अस डेट ही एंटर्ड दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हमको असर्ड कहते हैं, हमको विश्वास दिलाते हैं। किस चीज का विश्वास दिलाते हैं? वो हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि ही एंटर्ड दिस ऑफिस, वो जब इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं, जब वो इस राष्ट्रपति वाले ऑफिस में प्रवेश करते हैं इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, तो उनके मन में जो होता है धार्मिक विनम्रता होती है, वो एक साहस के साथ जो है वो विश्वास दिलाते हैं हमको कि वो अभी मान लीजिए वो भाषण दे ही रहे होंगे, तो वो जब एंटर करते हैं, जैसा कि इसको पास्ट में ही, इसको प्रेजेंट में आपके बुक में लिया गया है, ठीक है ना, वो जब एंटर करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मैं टोटल डेडिकेशन के साथ, मीन्स आत्मसमर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, मैं अपने सारे चीज भूल जाता हूँ, मैं एकदम टोटली पूरी तरह से मैं इस राष्ट्रपति पद के लिए समर्पित हो जाता हूँ, मीन्स इसी के बारे में सोचता हूँ एक पूरे स्पिरिट के साथ। दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको आपके लाइफ में मिलेंगे। मैंने आपको अभी भी बोला कि वर्ड आपको हर एक जगह मिलेगा। एक वर्ड आप लोग स्प्राइट पीते होंगे, आजकल स्प्राइट जो है ना बहुत फैशन हो गया है, चलो थोड़ा स्प्राइट पीते हैं। तो ये जो एक वर्ड आता है SPRITE, तो ये जो वर्ड है स्प्राइट, इस स्प्राइट का मतलब होता है प्रेत या फिर पिशाच, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो अभी वर्ड यूज किया है वो है स्पिरिट, ठीक है। इस स्पिरिट का मतलब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब रखा है साहस से। ऐसा इसका मतलब भावना भी होता है, आत्मा भी होता है स्पिरिट का मतलब, लेकिन मैंने इसका मतलब रखा है अभी साहस से, ठीक है। तो ये वर्ड स्प्राइट मीन्स, स्प्राइट का मतलब मैंने अभी आपको बताया भूत पिशाच, ठीक है, वैताल, और ये है स्पिरिट, ठीक है। तो जब वो इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो उनमें स्पिरिट होता है, मीन्स वो उनमें साहस होती है, ठीक है, और वो टोटली डेडिकेशन होता है, आत्मसमर्पण होता है। ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं
कि मैंने अभी अभी जो है लॉयलिटी की शपथ ली है, मैंने अभी अभी वफादारी की शपथ ली है, राजभक्ति की शपथ ली है, मैंने गद्दारी करने की शपथ नहीं ली है, मैंने राजभक्ति देशभक्ति की अभी अभी मैंने शपथ ली है और मैं इस शपथ को पूरा करूंगा। ये चीज वो कहते हैं इस शपथ के दौरान, इस स्पीच के दौरान, भाषण के दौरान। आगे कहते हैं ही प्लेजेस हिमसेल्फ, वो खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि हमारा जो पिछला संस्कृति है उस संस्कृति के प्रति भी वो वफादार रहेंगे। देखिए भारत पुराने समय से लेकर के भारत आज समय तक का भारत जो है, इसकी संस्कृति कभी भी धूमिल नहीं हुई है, इसकी संस्कृति पे कोई दाग नहीं लगा है। तो डॉक्टर हुसैन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो लॉयलिटी है, वफादारी है मेरी हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति, उस सभ्यता और संस्कृति के प्रति वफादारी को मैं बनाए रखूंगा, इस चीज़ की शपथ मैं खुद से लेता हूँ। हिमसेल्फ, वो खुद से इस चीज़ की शपथ करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, बस यही एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को, एक मैन को डेवलप कर सकती है, विकसित कर सकती है, एक स्टेट को, एक राज्य को विकसित कर सकती है, एंड नेशन और एक देश को विकसित कर सकती है। शिक्षा को छोड़ के बाकी कोई विकसित नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो कैसे होगा ये सब। ठीक है, आपने संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे, येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूभी भार भूता, मनुष्य रूपेन मृगास चरंती। ऐसे बहुत सारे श्लोक मिलेंगे, विद्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बस उसी विद्या की बात करते हैं डॉक्टर हुसैन, कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि अपने पास्ट कल्चर को बनाए रखूँगा और एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जिससे एक व्यक्ति को डेवलप किया जा सकता है। ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल एंड ऑल्सो से डेट इट इज पॉसिबल वेनली वेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। कहते हैं कि मैं इस चीज़ को रिन्यूअल करूँगा, जो हमारे भारत में अभी कहीं कुछ कमी रह गई है शिक्षा के मामले में, तो मैं उस कमी को दुरुस्त करूँगा, रिन्यूअल करूँगा। एक ये री जो वर्ड है, री वाला, ये री जो है प्रीफिक्स है। ठीक है, आप लोग प्रीफिक्स पढ़ लीजिएगा, ये रूट वर्ड आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, ये किसी वर्ड के पहले लग करके उसका अर्थ बदल देता है, और जो सफिक्स होता है वो किसी वर्ड के लास्ट में लग करके उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इस पर एक वीडियो बनाने के लिए। तो री जिस वर्ड के भी पहले लगा हो उसका मतलब होता है दोबारा से। ठीक है, उस चीज़ को फिर से करना। जैसे आप लोग मैच में देखते हैं रीप्ले, रीप्ले होता है ना, री का मतलब जो खेल हुआ है उसको फिर से दोबारा से। ठीक है, या फिर टीवी में आप लोग गेम खेलते हैं उसमें हो जाता है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब उस चीज़ को फिर से प्ले करना। ठीक है, तो री जिस वर्ड के पहले लगा हुआ है उस चीज़ को, उसका मतलब होता है उस चीज़ को फिर से करना, री स्टार्ट मीन्स फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो इस री वर्ड को आप लोग जान गए होंगे, लेकिन ये कहाँ काम करते हैं इसका थोड़ा नियम है, ये आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, वो कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं है उसको मैं दुरुस्त करूँगा, क्योंकि हम लोग डेवलप होंगे कब, हम लोग एक मनुष्य जो है, एक स्टेट जो है, एक देश जो है, नेशन जो है, वो डेवलप होगा कब, जब शिक्षा एवरीवेयर हर एक जगह होगी तब। ही सेज, वो कहते हैं कि भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। कहते हैं कि भारत मेरा घर है, घर है, होम है, हाउस नहीं है सर। देखिए होम और हाउस में बड़ा अंतर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डॉक्टर हुसैन ने होम वर्ड यूज़ किया है, हाउस का वर्ड यूज़ नहीं किया है। हाउस तो वो भी हो जाता है
जहाँ पे आप 2-4 दिन रहे, आप कहीं बाहर में गए, आपने किराए का कोई घर ले लिया, वो आपका हाउस है, आप कह सकते हो कि ये मेरा हाउस है, ये मेरा रूम है, लेकिन होम आप हर एक जगह को नहीं कह सकते हो। आपके माता पिता जहाँ पूर्वजों से रह रहे हैं वो होम होगा आपका, कुछ पीढ़ियों से रह रहे हैं, 2-3 पीढ़ियों से, आपके जहाँ दादाजी रहे, पापा जी रहे, आप रह रहे हो, वो होम हो सकता है, वो हाउस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, घर तो है, ये होम वाला घर है, हाउस वाला घर नहीं है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और ये जो भारत के लोग हैं वो लोग मेरे परिवार हैं। मीन्स इसमें भावना कौन सी है? इनमें भावना है वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है संसार ही परिवार है। तो यहाँ पे पूरे भारत के लोग को ये कह रहे हैं कि पूरा भारत के लोग जो हैं वो मेरे परिवार हैं, ठीक है। और इसमें और कुछ भी बातें इसमें इन्होंने बताई है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, जो काम होता है वो 2 तरीके का होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, काम 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क, एक ऐसा वर्क हो जाए होता है जो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, माने ये हमारा काम है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है, वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा काम है, तो ये मेरा इंडिविजुअल वर्क है। कोई दूसरा किसी खेत में काम कर रहा है, वो उसका काम है, वो उसका खेत है, उसका काम है, तो ये इंडिविजुअल वर्क है, व्यक्तिगत काम है। और एक और काम होता है, सेकेंड वन इज सोशल वर्क, एक सामाजिक काम भी होता है। समाज में कुछ लोग, मान लीजिए बाढ़ आ गई और बाढ़ में कुछ लोग फंसे हुए, उनको निकालना है, तो ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जाके निकालेगा, उसी का काम है, ऐसा नहीं है, ये सभी लोगों का काम बनता है ना। तो काम भी 2 तरीके के होते हैं, एक सोशल वर्क है और एक है इंडिविजुअल वर्क। तो ये जो 2 तरीके के काम हैं, दोनों में अंतर बताया है हुसैन जी ने। कहते हैं बोथ द वर्क हैज द सेम इम्पोर्टेंस, कहते हैं दोनों तरीके के कामों का इम्पोर्टेंस है, दोनों का महत्व है। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर, ये दोनों जो काम है ये दोनों के दोनों काम फल देते हैं, बिना फल वाला कोई नहीं है, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती है, काम कर रहे हो तो फल तो मिलेगा ही। तो ये दोनों जो काम है, कौन कौन दोनों काम, एक है आपका इंडिविजुअल वर्क और एक है सोशल वर्क, ये दोनों का महत्व है, और ये दोनों जो है फल देते हैं, परस्पर दोनों के दोनों फल देते हैं, लेकिन अंतर है इनके फल में। फल का मतलब ये खाने वाला फल नहीं। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग मोरल एंड फ्री, अगर आप अपना व्यक्तिगत काम करते हैं तो आप मजबूत होइएगा, पैसे से मजबूत हो सकते हैं, इज्जत से मजबूत हो सकते हैं, खुद का काम कीजिएगा तो, और मोरल हो जाइएगा, नैतिक हो जाइएगा, आप में कुछ विनम्रता का गुण आएगा, फ्री हो रहिएगा आप, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल वर्क करते हैं, बट एट द पेरिल, पेरिल का मतलब होता है जब जोखिम हो तब, जब खतरा हो तब, तो खतरे में आपको ये इंडिविजुअल वर्क काम नहीं आएगा, जब आपके ऊपर संकट आएगा, ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, आपको समाज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एक शादी ब्याह करना होता है, शादी ब्याह तो बहुत प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के ब्याह बताए गए हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप खुद सोचो, एक इंडिविजुअली अगर आप शादी कर लेते हो, कैसा लगेगा वो शादी, और एक आपके साथ पूरा समाज है, पूरे समाज का सपोर्ट है, और आप तब वो काम करते हो, तब कैसा लगेगा। तो सोशल वर्क जो है 2 तरीके के होते हैं, आप किसी का उद्धार कर रहे हो वो सोशल वर्क कर रहे हो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सोशल वर्क में यूनिटी होता है, एकता होता है, पावर होता है, जितना इंडिविजुअल में पावर नहीं होता, जितना उससे कहीं ज़्यादा पावर होता है सोशल वर्क में, ठीक है। तो वो कहते हैं डॉक्टर हुसैन कि मुझको भी विश्वास है, फाइनली ही सेज, अंततः वो कहते हैं आई हैव फेथ, मुझको विश्वास है इन माई पीपल, मेरे लोगों में, हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क, वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगाएंगे, वो मेरा सहयोग करेंगे, मेरा साथ देंगे, ये उनका विश्वास है।